पंजाब के अजनाला में हुई धार्मिक घटना के बाद खालिस्तानी समर्थक एवं संगठन वारिश पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल 18 मार्च से पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा है। अभी तक ये शख्स पुलिस की धर पकड़ से बाहर है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल की तलाश कर रही है। पिछले 23 दिन से अमृतपाल पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि अमृतपाल हरियाणा राज्य के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच शामली जनपद के बिडोली बॉर्डर पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। हमारे संवाददाता ने बताई इस विषय पर क्या कुछ खास बातें, आइए सुनते हैं। पंजाब के खालिस्तानी प्रमुख अमृतपाल सिंह पिछले करीब 23 दिनों से फरार है, जिसकी पंजाब पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के पुलिस चेक पोस्ट बिडोली पर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो लगातार आने जाने वाले वाहन हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। अगर बात की जाए खालिस्तानी समर्थकों की, तो खालिस्तानी समर्थकों का शामली जनपद से पहले से ही नाता रहा है, क्योंकि सन 2018 में जनपद शामली में पुलिस कर्मियों से सरकारी असलाह इंसास और राइफल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका कि तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुलासा किया था। और जो खुलासा हुआ था वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि शामली पुलिस ने और एसटीएफ ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें खाली जो बताया गया था उनके संबंध खालिस्तानी समर्थकों से थे, जिनमें एक गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी गिरफ्तार किया था, जो कि इसी यमुना खादर क्षेत्र के रंगाना फार्म का रहने वाला था। आप देख सकते हैं इस वक्त यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर जनपद शामली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, क्योंकि ये इनपुट जो है सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं कि अमृतपाल सिंह पंजाब से फरार होकर शामली में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ये वही यमुना खादर क्षेत्र है जिसका कि खालिस्तानी समर्थकों से पुराना नाता रहा है, क्योंकि सन 2018 में यहीं से 3 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था और उसी को देखते हुए लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और जो बॉर्डर है यहां पर चेकिंग चलाई जा रही है। जिस वक्त शामली जनपद से 2018 में 3 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था, उस समय तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो खुलासा किया था और जो बताया था कि जो 3 आरोपी सरकारी असला लूट के पकड़े गए हैं उनके खालिस्तानी समर्थकों से संबंध है। साथ ही साथ उस समय यह भी बयान जारी किया गया था कि इन खालिस्तानी समर्थकों के जो यमुना ये खादर क्षेत्र है यहाँ पर किस किस से संबंध है और कितने खालिस्तानी समर्थक यहाँ पर एक्टिव हैं उनकी भी जांच की जाएगी। उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शामली जनपद में पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग कर रही है। इस समय बिडोली चेक पोस्ट पर हम मौजूद हैं, यूपी और हरियाणा बॉर्डर है, शामली जिला है और पुलिस लगातार सघन चेकिंग कर रही है, क्योंकि सूत्रों से ये इनपुट मिल रहे हैं कि जो अमृतपाल सिंह है वो कभी भी पंजाब से हरियाणा होते हुए यूपी के शामली में प्रवेश कर सकता है, जिसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कतई कोई चूक छोड़ना नहीं चाहती है। शामली से पंकज मलिक, भारत 24।